वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 13 ऑफ एक्सरसाइज 11.3 क्लास 7 मैथ्स। 13वां प्रश्न है, इस सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पेथ ऑफ 4 मीटर वाइड। ये फ्लावर बेड है, ठीक है, इसमें फूल ही फूल उगे हुए हैं, ठीक है, और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है एक 4 मीटर चौड़े रास्ते से, ठीक है। ये जो चौड़ाई है इसकी, ये 4 मीटर है, और ये जो सर्कुलर पेथ है ये सर्कुलर है, और ये क्या है, डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 सेंटीमीटर। ये जो है डायमीटर, ठीक है, यानी त्रिज्या का डबल, रेडियस का डबल 66 मीटर है। तो आपको क्या है, इसका एरिया ज्ञात करना है। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द पेथ, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले हम क्या करते हैं कि 66 सेंटीमीटर डायमीटर है, देख, तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर, एरिया ऑफ ए सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। ये तो अब आपको याद हो गया अच्छी तरह से, पाई आर स्क्वायर एरिया है, 2 पाई आर जो होता है उसका सर्कमफेरेंस होता है, बस दो ही तो फॉर्मूले, इसमें जरा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, तो पाई आर दिया हुआ है इसके अंदर 3.14, और रेडियस कितना होगा, 66 का आधा, डायमीटर 66, तो रेडियस 33, तो इसको 33 स्क्वायर आर स्क्वायर 33 और फिर 33 हो गया, ठीक है। अब देखिए 33 और 33 को मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, 33 मल्टीप्लाई बाय 33 तो 99 हो गया, और ये क्रॉस रखा और ये भी 99 हो गया, तो ये हो गया 9 और 9 9 और 8 और ये 1089 ये हो गया इन दोनों का सम, तो 340 इंटू 1089 फिर कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई, इसको 314, ये पॉइंट हटा दीजिए इसको आप एक बार, ठीक है, लगा देंगे फिर वापस, तो ये 314 या पॉइंट रख दीजिए कोई बात नहीं है, इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो कितना आएगा देखिए, 4 से किया 9 4 जा 6 रिमेनिंग 3, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, ये 0 की जगह 3 आ गया, एंड 4 1 जा 4 यहाँ किया आपने, ये 1 से हैं तो सीधा लिख दीजिए 9 8 0 1। अब ये 2 क्रॉस लगाए, 3 से 9 3 जा 9 3 27 बचे 2, 8 3 24 8 3 जा 24 प्लस 2 26, ठीक है, और ये 0 और 3 का 3 आ गया, इन सबको हमने जोड़ दिया 6 4 19 11 4 300। अब ये पॉइंट जो हमने रखा था, इसको पॉइंट को 2 डिजिट के आगे है तो यहां लगा दिया, तो 3419.46 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सर्किल हुज डायमीटर इज 66 मीटर। ये जो फ्लावर बेड है इसका एरिया यहां पर ये हो गया, ये हमारा पार्ट 1 हो गया 1 इंच पर, तो 3419.46 इज द एरिया। हम पेज पलट लेते हैं और 3419.46 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस फ्लावर बेड। ये जो पूरा है जिसके अंदर फूलों की क्यारी लगी हुई है, फ्लावर बेड, इसका एरिया आ गया। अब हमको क्या करना है कि ये रास्ते का पता करना है कितना है। इसका करने के लिए पहले हमको पूरा जो है ये सर्किल है बाहर वाला, ठीक है, जिसमें ये रास्ता भी शामिल है और फ्लावर बेड भी शामिल है, इसको पूरा का हम पहले एरिया निकालेंगे। तो ये जो इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है रास्ते की, और ये कितनी है हमने अभी निकाला था, इसका जो है त्रिज्या कितनी है, 33 हो गई, डायमीटर 66, त्रिज्या 33 हो गई, और ये 4 ये हो गया, तो 33 प्लस 4 तो इसका जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया, 33 प्लस 4 यानी
37। पहले हमने 33 के रेडियस से इस फ्लावर बेड का एरिया निकाला था, अब हम 37 सेंटीमीटर या 37 मीटर जो रेडियस से हम टोटल सर्किल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया का जो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई दिया हुआ है 3.14, आर दिया हुआ है 37, और आर का स्क्वायर करेंगे तो भी 37। तो 37 और 37 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 7 7 जा 49, रिमेनिंग 4 बचे, 7 3 जा 21 और 4 25। ये क्रॉस लगाया, अब इसको 7 3 जा 7 3 21 बचा 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 9 6 3 1369। ये तो हो गया 37 × 37। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.14 से, एक बार पॉइंट को भूल जाइए, नीचे लगा लेंगे, 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जो है कितना हो जाएगा, भूलना नहीं पॉइंट लगाना बाद में, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 4 से 9 4 6 7 3 6 4 24 और 3 27 7 2 4 3 12 और 2 14, असल की 1 4 और 1 5। ये क्रॉस तक ये एक से करना है तो 1369 लिख दो आप, 1369, और उसके बाद में ये दो क्रॉस लगाए 3 से तो 9 3 9 3 27 7 2 36 18 2 20, असल की 2 और 33 39 2 41, ये 41। ठीक है, जोड़ दो इसको, 6 6 18 1 बचा 6 13 9 और ये 2 और ये 4, तो ये क्या आया 4। अब पॉइंट लगा दो आप, ठीक है, ये पॉइंट जो यहाँ छोड़ा था 2 डिजिट के बाद में, तो ये हो गया 4298.66 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द टोटल सर्किल इंक्लूडिंग द स्पेस ऑफ 4 मीटर एंड द फ्लावर बेड। फूलों की क्यारी और उसके चारों तरफ जो 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, उनको दोनों को मिलाने के बाद में जो ये सर्किल बनता है उसका क्षेत्रफल है 4298.66 मीटर। अब प्रश्न में क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पेथ, इस पथ का क्षेत्रफल कौन सा पथ, ये 4 मीटर वाला जो पथ है चारों तरफ घूमने के लिए जो रास्ता बनाया गया है, इसका एरिया कितना है। तो टोटल बड़े सर्किल का एरिया कितना है ये, और छोटे सर्किल का एरिया कितना है, अभी हमने निकाला था ना, छोटे सर्किल का एरिया है 3419.46। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा है यहां पर, ये जो है यहां लिखा है 3419.46 3490, इसको घटा दीजिए 02, ठीक है 9 7 8 879.20 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस पेथ, इस रास्ते का, इस पथ का क्षेत्रफल 800.20 मीटर स्क्वायर है। क्लियर, इसका आंसर परीक्षा में कैसे लिखना है आपको इसको पढ़ करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ जो है टाइपिंग में मिस्टेक मैंने कर दी है, उसको आप ठीक कर लीजिए। ये 2m2, ये m स्क्वायर है ये, ठीक है, और तो सब ठीक ही लगता है, इसमें कोई ऐसी कोई मिस्टेक मुझे लगती नहीं है, फिर भी अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो तो इसको आप ध्यान मत दीजिए, अपने हिसाब से जो है उसको सही कर लीजिए। और ये आपको हिंदी के अंदर भी इसका आंसर दिया हुआ है, उसको भी आप देखो, इसमें तो सही आया ये 2, आपने इसको भी टाइप करने में गलती हो जाती है कभी कभी मैथ्स के जो आंकड़े हैं, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा शायद। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।